स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नॉमन कल्चर, आईपैक नॉमन कल्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में आईपैक रूल्स डिस्कस किए थे, लेकिन आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे कि उन आईपैक रूल्स को यूज़ करके हम आईपैक नेम जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस को कैसे दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सीखिएगा। तो अब हम आते हैं पहले कंपाउंड पे, दिस इज़ अ कंपाउंड। अब हम वैसे तो हम सेपरेटली भी ऑक्सीजन स्टेट क्रोमियम की मालूम कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो एक अलग वीडियो भी ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड करने के लिए एक वीडियो लेक्चर है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले माइनस वन इसकी चार्ज हुई तो इसकी क्या होगी प्लस वन। अब इसकी क्या हो गई, टोटल जो Cl2 जो है वो है माइनस वन इंटू टू, माइनस वन इंटू टू इसकी हो गई, इसकी हो गई ज़ीरो। तो अब यहाँ पे ऐसी ऑक्सीजन स्टेट जो है वो रखनी है इसका, ताकि इसका और इसका जो सम हो वो इक्वल हो प्लस वन के। तो यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे क्या है माइनस टू, तो यहाँ पे यकीनन हमें प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट ही देनी पड़ेगी, तब भी जाके प्लस थ्री और माइनस टू का सम क्या बनेगा प्लस वन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि प्लस थ्री इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द क्रोमियम। अब हम आ रहे हैं इसके आईपैक नेम पे। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, एक है केटाइन जो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे एक केटाइन है और यहाँ पे ये क्या है एनायन। तो हमने सबसे पहला रूल पढ़ा था कि सबसे पहले हम केटाइन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम किसका लिखते हैं एनायन का नाम लिखते हैं। तो ये सारा केटाइन है, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे उसके बाद इस एनायन का नाम लिखेंगे। इस केटाइन में लिगेंड्स भी हैं और सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी है। तो ये भी रूल था, हमने पढ़ा था कि जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स भी होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी होता है, तो हम पहले जो नाम देते हैं वो देते हैं लिगेंड्स को। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, एक है लिगेंड यहाँ पे क्लोरो और दूसरा है अमाइन लिगेंड। जब दो डिफरेंट लिगेंड्स हो तो वी विल फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा, अमाइन लिगेंड आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्लोरो दो लिगेंड्स हैं, डाई क्लोरो टेट्रामाइन डाई क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे क्रोमियम, मतलब इसका इंग्लिश नेम लिखेंगे क्रोमियम। उसके बाद इसके हम ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे क्रोमियम थ्री रोमन न्यूमरल्स में, और थोड़ी सी स्पेस देकर हम क्या लिखेंगे क्लोराइड। अच्छा फिर से थोड़ा देख लो कि हम इसको नाम देने के लिए पहले इस केटाइन का नाम लिखेंगे उसके बाद एनायन का। याद रखें कि केटाइन का नाम जो होना चाहिए वो वन वर्ड नेम होना चाहिए, और केटाइन के नेम और एनायन के नेम के बीच में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आईपैक रूल्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक तो लिगेंड्स हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इस केटाइन के अंदर, मतलब कि इस होल केटाइन के अंदर लिगेंड्स है और सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। तो पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखेंगे उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन का। लिगेंड्स टू डिफरेंट हैं तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे टेट्राअमाइन अमाइन, क्योंकि यहाँ पे जो अमाइन की ए है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है और क्लोरीन की सी। यहाँ पे डाई और टेट्रा वाली जो प्रीफिक्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम कंसिडर नहीं करते। तो टेट्राअमाइन डाइक्लोरो, उसके बाद ये लिगेंड्स के बाद लिखेंगे नाम नेम ऑफ दी मेटल क्रोमियम, उसके बाद उसकी लिखेंगे ऑक्सीजन स्टेट थ्री, थोड़ी सी स्पेस देकर उसको लिखेंगे क्लोराइड। उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें सबसे पहले हम ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें, प्लस वन पोटाशियम की होगी और यहाँ पे थ्री पोटाशियम आयन्स हैं, तो इसकी टोटल क्या होगी माइनस थ्री चार्ज। माइनस थ्री चार्ज में जो लिगेंड की चार्ज है, क्योंकि एक लिगेंड पे माइनस टू है ऑक्सलेट आयन है, तो थ्री इसका क्या होगा, इसकी टोटल चार्ज होगी माइनस सिक्स। तो यहाँ पे कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए जो माइनस सिक्स के साथ एड होकर माइनस थ्री आंसर बनाए। तो यहाँ पे क्या होगी प्लस थ्री, क्योंकि प्लस थ्री से कंसिडर करेंगे, जब ये प्लस थ्री और माइनस सिक्स को आप एड करेंगे तो यू विल गेट दी माइनस थ्री। सो द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन मस्ट बी प्लस थ्री, ये ऑक्सीजन स्टेट है आयरन की।
अब क्योंकि यहाँ पे है केटाइन पोटाशियम, उसके बाद ये है एनाइन, तो पहले पहले हमें नाम किसको देना पड़ेगा, इस केटाइन को, उसके बाद इस एनाइन को। केटाइन तो सिंपल है, जैसे सिंपल आयनिक कंपाउंड्स में हम किसी भी केटाइन को नाम देते हैं, तो यहाँ पे केटाइन सिंपल है, इसको हम क्या लिखेंगे, पोटाशियम। जस्ट थोड़ी सी स्पेस देंगे, उसके बाद इसका नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स हैं और सेंट्रल मेटल एटम आयन है, तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन सा है, ये ऑक्सलेट, और लिगेंड इसको हम कहते हैं ऑक्सलेटो, नेगेटिव लिगेंड है तो ऑक्सलेटो, थ्री नेगेटिव लिगेंड्स हैं तो क्या कहेंगे, ट्राई ऑक्सलेटो। अच्छा, यहाँ पे हम आयरन नहीं लिख सकते क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, हमने रूल में पढ़ा था जब भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, जब भी किसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो, तो उसमें जो मेटल आयन होता है या मेटल एटम होता है उसको हम लैटिन नेम में लिखते हैं, और इसकी जो एंडिंग करते हैं वो करते हैं एटी से। तो यहाँ पर आयरन नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे फेरेट, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट, और यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थ्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री। तो नाम क्या हो गया, पोटाशियम, थोड़ी सी स्पेस, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट थ्री। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आ रहे हैं, तो दिस इज द नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, माइनस वन इंटू टू, तो माइनस टू यहाँ पे चार्ज हो गई, तो इसका मतलब है यहाँ इसके ऊपर क्या होगी चार्ज, प्लस टू। इसमें लिगेंड है माइनस वन, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज होनी चाहिए ताकि इस ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज और इसका सम क्या होना चाहिए, प्लस टू। तो यहाँ पे देयर मस्ट बी प्लस थ्री, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट इज प्लस थ्री। अब हम यहाँ पे ये है केटाइन, ये है एनायन, केटाइनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट ऑफ द कंपाउंड है, तो पहले केटाइन को नाम देंगे, केटाइन कोऑर्डिनेशन मतलब के कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो इसमें लिगेंड्स हैं और सेंट्रल मेटल एटम आयन है, तो लिगेंड्स में एक क्लोरो लिगेंड है, एक अमाइन लिगेंड है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, अमाइन लिगेंड, तो कितने अमाइन लिगेंड्स हैं, फाइव, तो हम लिखेंगे पेंटा अमाइन। उसके बाद लिगेंड कौन सा आएगा, क्लोरो, तो उसके बाद हम मेटल एटम का नाम लिखेंगे कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, कोबाल्ट थ्री, थोड़ी सी स्पेस देकर हम लिखेंगे क्लोराइड। सो दिस इज द आईपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पेंटा अमाइन क्लोरो कोबाल्ट थ्री क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जा रहे हैं, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ द सिल्वर आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन, तो इसकी क्या होगी, प्लस वन, तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, प्लस वन, ये तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मस्ट बी प्लस वन, तो इनका सम क्या हो जाएगा, प्लस वन। अब यहाँ पे ये केटाइन है और ये क्या है, एनाइन है, तो दिस इज अ केटाइन एंड दिस इज अ एनाइन, सबसे पहले इसको नाम देंगे, इसमें लिगेंड है, पहले लिगेंड को, फिर सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, लिगेंड एक ही है, तो लिखेंगे डाई अमाइन, दो अमाइन के लिगेंड्स हैं, डाई अमाइन, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिल्वर, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम सिल्वर, उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट है वन इसकी, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी स्पेस देकर क्या लिखेंगे, क्लोराइड, जो हम सिंपल आयनिक कंपाउंड में लिखते हैं, तो दिस इज द नेम ऑफ डाई अमाइन सिल्वर वन क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा, इसकी नाइट्रेट आयन है यहाँ पे, तो नाइट्रेट आयन माइनस वन, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगी, दैट मस्ट बी प्लस वन, अब इन सब का सम क्या होना चाहिए, प्लस वन, तो इस सब की हम चार्ज देखें, यहाँ पे माइनस वन क्योंकि क्लोराइड आयन है, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस वन, वाई, क्योंकि ये नाइट्राइट आयन है जिसको हम नाइट्रो लिगेंड कहते हैं, क्लोरो लिगेंड कहते हैं, तो माइनस वन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या है, माइनस वन, यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है, माइनस टू, तो यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करनी चाहिए, चार्ज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट, ताकि इन सब का सम क्या चाहिए, प्लस वन, दैट मस्ट बी प्लस थ्री, दैट मस्ट बी प्लस थ्री, तो प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट कंसिडर करेंगे तभी जाके इन सब का सम क्या होगा, इक्वल टू प्लस वन, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द कोबाल्ट हेयर इज अ प्लस थ्री। ये केटाइनिक पार्ट है, अब ये एनायनिक पार्ट है, तो पहले इसको नाम देंगे, इसमें पहले लिगेंड्स को, फिर सेंट्रल मिडल एटम या आयन को, लिगेंड्स में देखेंगे कौन सा अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आ रहा है, एक है क्लोरो, दूसरा है नाइट्रो और अमाइन, सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या आता है, अमाइन, तो इसको लिखेंगे टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, उसके बाद है क्लोरो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो लिखेंगे क्लोरो,
उसके बाद अल्फाबेट का ऑर्डर में नाइट्रो है तो लिखेंगे नाइट्रो, उसके बाद है कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल एटम आयरन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है 3, थोड़ी सी स्पेस देकर हम क्या लिखेंगे नाइट्रेट। नेक्स्ट कंपाउंड पे आ रहे हैं तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ओवरऑल चार्ज इसकी क्या है 0 है, तो इसका मतलब है इन दोनों इन सब की चार्जेस का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसकी -1 × 2 -2 ये न्यूट्रल है तो इसकी क्या होनी चाहिए +2 और -2 का सम क्या होगा 0 होगा। तो नाम दें इसको, तो यहाँ पे क्या होगा इथाइलिन डायमाइन है। तो इसमें हम देखेंगे कि अल्फाबेट ऑर्डर में कौन आ रहा है, पहले अल्फाबेट ऑर्डर में आ रहा है क्लोरो, क्योंकि इथाइलिन डायमाइन के नाम में पहले ई है, तो यहाँ पे लिखेंगे डाई क्लोरो। अच्छा, हमें लिखना है इथाइलिन डायमाइन, दो इथाइलिन डायमाइन लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा क्योंकि इथाइलिन डायमाइन के नाम में डाई प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज्ड है, तो यहाँ पे हम जो यूएली प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वो यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे इस लिगेट की तादाद को शो करने के लिए, वो होगी बिस ट्रिस इस तरह की जो एक प्रीफिक्स है, तो दो लिगेंड्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बिस, और जब इस तरह के प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो इस तरह के जो आर्गेनिक खास करके बड़े नाम वाले जो लिगेंड्स होते हैं उनका नाम हम पेरेंथेसिस में शो इनक्लोज करते हैं, तो यहाँ पे बिस ब्रैकेट देंगे इथाइलिन डायमाइन, उसके बाद डाई क्लोरो बिस इथाइलिन डायमाइन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की यहाँ पे है 2, तो दिस इज द आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो सबसे पहले यहाँ पे +1 × 3 +3 इसकी चार्ज हो गई, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए -3, तो इन सब का सम क्या होना चाहिए -3। ये है नाइट्रो लिगेंड, एक नाइट्रो पे -1 होती है, तो 6 नाइट्रो लिगेंड से तो -6, तो -6 में हम कौन सी चार्ज ऐड करें ताकि वी विल गेट द आंसर -3, तो दैट मस्ट बी +3 होनी चाहिए, क्योंकि +3 जब -6 में ऐड करेंगे वी विल गेट द -3। नाम इसका क्या होगा, पहले हम केटाइन का नाम लिखेंगे, केटाइन यहाँ पे सोडियम है, मतलब कि सिंपल आयन है, तो हम इसको लिखेंगे सोडियम, थोड़ी सी स्पेस देंगे, उसके बाद जाएंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर में एक ही लिगेंड है वो है नाइट्रो, तो यहाँ पे 6 नाइट्रो लिगेंड्स हैं जिसको क्या लिखेंगे हेक्सा नाइट्रो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ओवरऑल, तो यहाँ पे हम इसका इसको इसके नाम की एंडिंग जो करेंगे वो एटी के साथ करेंगे हेक्सा नाइट्रो, यहाँ पे सिर्फ कोबाल्ट नहीं लिखेंगे लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है 3 है, तो दिस इज़ द आईपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नेक्स्ट कंपाउंड में आ रहे हैं, तो दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट क्या है -2 इसकी है, तो इसकी क्या होगी +2, इन सब का सम क्या होना चाहिए +2, तो जाहिर सी बात है ये न्यूट्रल लिगेंड है, H2 इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, तो इसकी चार्ज होगी 0, लेकिन सारे के सारे क्या चार्ज होगी +2 इसके ऊपर होगी, मतलब कि कोबाल्ट 2 ऑक्सीजन स्टेट पे यहाँ पे मौजूद है। अब नाम लिखेंगे यहाँ पे पहले केटाइन उसके बाद एनायन, तो केटाइन के अंदर लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम आयन है, तो लिगेंड्स का नाम लिखेंगे हेक्सा, आपको पता है ये एको लिगेंड है, तो हेक्सा एको, और यहाँ पे क्या है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2, और थोड़ी सी स्पेस लेकर इस आयन का नाम लिखेंगे सिंपली जिस तरह लिखते हैं सल्फेट। नेक्स्ट कंपाउंड में हम जा रहे हैं, तो ये कंपाउंड है आयरन का, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कैसे फाइंड की जा सकती है डायरेक्टली +1 × 3, तो इसकी क्या होगी चार्ज -3, तो यहाँ पे साइनो लिगेंट है, एक साइनो की -1 × 6, तो यहाँ पे क्या होगा -6, टोटल चार्ज है -6, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होनी चाहिए दैट मस्ट बी +3, क्योंकि +3 और -6 को जब हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट द -3। अब पहले नाम किसका लिखेंगे पोटाशियम का, पहले नाम हम लिखेंगे पोटाशियम,
उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देंगे, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स का पहले नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिगेंड है साइनो, 6 लिगेंड्स हैं, तो हेक्सासाइनो। अब यहाँ पे जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट आश्रित स्टेट है 3। दिस इज अ पोटाशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3। नेक्स्ट कंपाउंड में हम आ रहे हैं, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, जीरो चार्ज है, इसके आगे पीछे कोई भी केटाइन या एनाइन मौजूद नहीं है, तो इसका नाम लिखेंगे वन वर्ड नेम, इसमें किसी किस्म की कोई स्पेस यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ट्राई अमाइन, अच्छा इसकी ऑक्सीजन स्टेट को शो करने के लिए आप देखेंगे, तो यहाँ पर होगी -1 × 3, तो ये तो ज़ीरो है, इसकी क्या होनी चाहिए +3, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन, उसके बाद है ट्राई क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो बाद में आ गया, ट्राई अमाइन ट्राई क्लोरो, उसके बाद है क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट है 3। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, इस काउंटर आयन की चार्ज है -2, तो इसकी क्या होनी चाहिए +2, इसकी अगर +2 है तो यहाँ इसके अंदर न्यूट्रल लिगेंड है अमोनिया, तो इसका मतलब है कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी +2, क्योंकि इसका सम क्या होना चाहिए +2। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, इसमें लिगेंड्स हैं, पहले लिगेंड्स का, तो एक ही लिगेंड है, तो चार लिगेंड्स हैं, लेकिन वन टाइप ऑफ लिगेंड है, टेट्रा अमाइन कॉपर ऑक्सीजन स्टेट है 2, थोड़ी सी स्पेस देंगे और लिखेंगे सल्फेट। इसी तरह हम नेक्स्ट कंपाउंड पे आएंगे, तो ये भी ओवरऑल न्यूट्रल है, तो इसमें हम पहले ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करें, एक क्लोराइड आयन की -1 × 4, तो ये हो गई -4, ये ज़ीरो है, तो इसकी क्या होगी +4, इसका मतलब है यहाँ पे प्लाटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे अमाइन लिगेंड, 2 अमाइन लिगेंड्स हैं, तो डाई अमाइन, उसके बाद क्या होगा ट्रेट्रा क्लोरो, उसके बाद लिखेंगे प्लाटिनियम, और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट है 4। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स ऑफ दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हमने सीखे। इसमें एक तो आपको ऑक्सीजन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन की वो सबसे पहले आनी चाहिए, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीजन स्टेट, उसके लिए एक छोटा सा लेक्चर है जो मैं अपलोड करूँगा, जो इस चैनल पे मौजूद है वो आप देख सकते हैं, और उसके बाद वो आपको आना चाहिए कि ख़ास करके जो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेज हैं उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन का जो नाम है वो हम यूज़ कर रहे हैं लैटिन नेम, और उसके साथ जो सफिक्स हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं एटी। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मोर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।